दसूहा दे पिंड शरीपुर विखे अज अचानक अग लगन नाल किसानां दी 2 किले गन्ने दी फसल सड़ गई। अग लगन दा कारण बिजली दी तारां विच शॉर्ट सर्किट दस्सिया जा रहा है। जानकारी देंदे हुए किसान मनप्रीत ने दस्सिया कि अग लगन नाल उसदा 2 लाख रुपए तो ज्यादा दा नुकसान होया। किसान मनप्रीत दा कहना है कि अग बिजली दी तारां विचों हुई स्पार्किंग नाल लगी है, क्योंकि खेत उपरों लंघ रही बिजली दीआं तारां बहुत ही ढीलियां है, जिस वजह दे नाल शायद अग लग गई। दूजे किसान संतोख सिंह का कहना है कि उसका भी कमाद सारा सड़ गया, जिस करके उसका भी कई लाखों का नुकसान हुआ। इस करके साड़ी पंजाब सरकार तो मांग है कि साड़े हुए नुकसान का सानू मुआवजा देता जाए। दसूहा तो विजय ठाकुर की रिपोर्ट, के आर टी न्यूज़ पंजाब। मेरा नाम गुरमुख सिंह है जी, सरपंच है जी, मैं पिंड शरीपुर तो, शरीपुर तो रकबा सिंह है। किन्ने किले नुकसान हो? तकरीबन 2 किले तो उपर हो गया जी नुकसान। हाँ जी, किन्ने लाख का होया नुकसान? नुकसान का देखो जी, नुकसान का तो कोई अंदाजा नहीं ला सकता, घट्टो घट भी 3 से 3 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि बीज वास्ते गन्ना रखा सी इन्होंने, तो वो हुण गन्ना भी नहीं बीजे जाना, उल्टा इन्हों हुण वढ़ के बाहर कढ़ना पैना, खेत भी साफ करना पैना। अग का कारण का कुछ पता लगा? अग का कारण कोई जां बिजली सर्किट ही हो सकता जी, होर कोई समझ नहीं एडी लगी अजे तक। हाँ जी, शॉर्ट सर्किट लगता कि शायद उस? हाँ जी, हो सकता शॉर्ट सर्किट ही हो गया। की मंग करते हो तुसीं पंजाब सरकार? मंग देखो जी, सरकार अगे यही है भी मुंडा जरा ठेके से जमीन ली है, उन्हें दूसरे पिंड तो आ गए ना, साढ़े श्रीपुर से जमीन ली ठेके से, तो वो फसल बीजी है, फसल हुण नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, ठेका भी जरन देना पैना, फसल भी घट्टो घट 2 लाख की 2.5 लाख की सड़ गई है, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मनप्रीत सिंह भाई। मनप्रीत जी, किन्नी नुकसान तुहाडा होया है भाई? 2 लाख तो उपर हो गया नुकसान। किन्ना सीवा कमाद तुहाडा? 2 किलों के आस पास है जी। तो किस तरह कोई अग का कारण पता लगा, किस तरह अग लगी? तारा तो ही भाजी जा रही है जी, लग रही है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर? हाँ जी हाँ जी, टाइम पहुंची सी? हाँ जी हाँ जी, टाइम पर पहुँच गई जी। तो फायर ब्रिगेड ने अग पर काबू पा लिया हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाजी, पा लिया। की मंग करते हो पंजाब सरकार तो? मंग करते हो? मंग भाजी है कि हूँ जोड़ा बी गांह वास्ते लाने वास्ते खड़ा है, वह भी कोई 20-25 किले नहीं खलोता जी, वह भी गांह अगली फसल भी जाती रही हड्डी से, अंदर ये कहने वो तो वो मुआवजा मिले। नुकसान जी सिक्के संतोख सिंह का, तो किले के करीब गन्ना ही जो बी वास्ते डकया ही, तो अगले 6-7 किलों का 8 किलों का बी ही, 8 किले की ब्याई जी वो बी ब्याई तो हम रह गई आ, वह भी नुकसान तो है ही ना, अगली फसल बीजने वास्ते हम कितों भी बीज नहीं सानू पैदा मिल सकता, तो इस करके फिर पिछला भी नुकसान हो गया, तो 2-3 लाख के करीब नुकसान जिहड़ा करीबन बनता ही बनता है। बाकी चलो फतह ब्रिगेड मौके पर आ के काबू पाया, पर उन्ने चिर गन्ना जिहड़ा सारा ही सड़ चुका सी। की मंग करदे हो पंजाब सरकार तो? पंजाब सरकार तो एक तो जी बिजली बोर्ड के जिन्हें भी मुलाजम आ ये ठेके से ना अजक रख ले, तो उन्होंने मतलब हों सिर्फ दिहाड़ी नाल, साढ़े सारे हल्के जिन्या भी तारा ने वो सारिया ढिलिया तो ढिलिया पे वो कमजोरी सिर्फ सरकार की आ, जिन्होंने मतलब कि ठेके के बंदे ला के ते तारा पवा छड़िया ने, ये तारा स्पार्क हुई ने आपो विच अटैच होने करके, ये सारा अग का चंगा काम जरा ये सारा बिजली के वजह ना होया। पंजाब सरकार तो की मंग है तुहाडी मुआवजे दी? पंजाब सरकार जिमीदार तो अगे ही बहुत ज़्यादा थले लग चुका आ, सिर्फ मौत का ही रस्ता लभदा फिरदा भी किधर कितों मौत आनी आ, इस करके ये जिमीदार जो साढ़े कोई 7-8 किलोमीटर दूरी तो आन के नौजवान ने पैली ठेके तो लही आ, जिहदा ठेका है हले 70,000 रुपया किले के उत्ते, ठेका ठेका भी उन्होंने पै गया, सारी मेहनत भी पै गई, हुण जिहड़ा बीज सड़ कमाद सड़ गया आ उहदी लेबर वक्री पै गई आ। मेरा नाम संजीव कुमार, फायरमैन दसूआ। संजीव कुमार जी, की कदों तुहानूं पता लगा कि साडे लैंडलाइन नंबर ते फोन आया सी, ते साडी फायर ब्रिगेड की टीम 2-4 मिंटां दे अंदर अंदर इत्थे पुज के अग काफ़ी सी, अग ते कंट्रोल किया गया। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਏਵਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਮੈਟਲ ਵਰਲਡ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਜਾਨੇ ਕੀ, तो इस चिंता को भूल कर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिसॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वह वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में।
The Metal Decor World and the largest stock keeping unit of metal decor in the region. Even Handicraft Pathankot hai, manufacturers, customizers, innovators, thok suppliers and wholesaler. Even Handicraft Pathankot ki sabse badi khasiyat hai ki inke dwara banaya gaya har product jang rahit product hai. Ji haan, rust free. Even Handicraft Pathankot ke paas wall art, vases and planters, mirror and clocks, floor and table lamp, consoles and nesting tables, figurines and statue and much more. Even handicrafts, we undertake interior metal decor projects. ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे पंजाब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और प्रचून की सेवा उपलब्ध है इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का एवन हैंडीक्राफ्ट स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवन्स केक्स एंड पेक्स नज़दीक पीर बाबा चौक ढांगो रोड पठानकोट आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468